तो इसका एक ही इलाज है अपने पास राइटिंग प्रैक्टिस करना सो आई वॉन्ट यू टू राइट सम कंसेप्ट कीप ऑन कमिंग फॉर एग्जाम्पल हॉर्मोनियस कंस्ट्रक्शन देन आई कैन से नोसिटेर ये बहुत बार आता रहता है तो अगर आप इसका राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा एंड सेकेंडली बच्चा लैटिन टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे यस यू डोंट हैव अ चॉइस टर्म्स यू हैव टू हैदर विडियो टू दैट एग्जाम में इफ एग्जाम इनर डॉट है तो प्लीज मेक योर आंसर अट्रैक्टिव बाई पुटिंग लॉर्ड ऑफ लीगल टर्म्स बाई पुटिंग लॉर्ड ऑफ लैटिन टर्म्स बाई पुटिंग लॉर्ड ऑफ केस लॉज जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है जहाँ पे भी अवेलेबल है तो ये सब डालोगे तो आपका आंसर और भी अट्रैक्टिव बनेगा तो लैटिन टर्म्स मैम हम कैसे याद करें बहुत सिंपल है बच्चा जब तुम लोग ने सी ए फाउंडेशन में लैटिन टर्म पढ़ा था नीमो दैट कॉड नॉन हैबिट पहली बार सुना था तो बहुत अजीब लगा था लेकिन आदत हो गई राइट तो बाद में क्योंकि बहुत बार पढ़ते रहे आप यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है जो भी लैटिन टर्म्स है लिख के प्रैक्टिस करो मैं ये नहीं बोल रही हूं दस बार लिखो एटलीस्ट तीन चार बार लिखो यस yes, आपको याद रह जाएगा इट्स नॉट गोना बी डिफिकल्ट स्पेलिंग भी याद रह जाएगा आपका ठीक है सो नाउ वट इज एंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट बच्चा एंटरप्रटेशन का मतलब इज वॉट अंडरस्टैंडिंग स्टैच्यूट का मतलब लॉ हाउ टू अंडरस्टैंड द लॉ और ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं बिकॉज बच्चा अपने देश में लॉ पार्लियामेंट बनाता है यस दे आर द वन लेजिस्लेटिंग द लॉज दे आर नोन एज लेजिस्लेटिव अथॉरिटी गवर्नमेंट इज लॉज को एग्जीक्यूट करता है तो गवर्नमेंट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड लास्टली जो कोर्ट है वो डिस्प्यूट सेटल करके जजमेंट सुनाता है सो दे आर नोन एज जुडिशियल अथॉरिटी मतलब लॉ बनाता कोई और है एग्जीक्यूट कोई और करता है पढ़ के जजमेंट कोई और सुनाता है तो यहाँ पे इट इज वेरी वेल पॉसिबल देर माइट बी मिस अंडरस्टैंडिंग्स कन्फ्यूजन अरे हमारे घर पे मॉम डैड भाई बहन हजबेंड वाइफ इतने क्लोज रिलेशनशिप है अगर हम में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो इन बेचारों में तो हो ही सकती है क्योंकि ये तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है बनाता कोई और है पढ़ के जजमेंट कोई और सुना रहा है तो देर टू बी सम स्टैंडर्ड रूल्स विच टीच यू हाउ टू रीड द लॉ एंड दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू सी एग्जाम्पल अगर लू मैं मानसी ने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा अपने हिसाब से समझा अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है मैम ये गलत रिटर्न है मैं बोलती हूँ सही है क्योंकि मैंने लॉ पढ़ के यहाँ पे इंटरप्रेट किया वो लोग बोलते है है सो इन दिस केस यस कौन सही है? मैं सही मैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही है ना यू कान से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही है क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है मैं भी सही हो सकती हूँ ऐसा थोड़ी होता है तो बच्चा कोर्ट बोलेगा तुम लोग रुक जाओ झगड़ा मत करो मानसी तू क्या बोल रही है वो बताओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोग क्या बोल रहे हो वो बताओ कोर्ट जो है वो दोनों की बात सुनेगा समझेगा फिर कोर्ट बोलेगा रुको मैं यहाँ पे ये पढ़ के बताता हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। तो कोर्ट वो लॉ पढ़ेगा समझेगा हमको समझाएगा एंड फिर अकॉर्डिंगली जजमेंट सुनाएगा कि मानसी सही है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही है तो बच्चा क्या गारंटी है कि कोर्ट ने जो पढ़ा है वो ही सही है कुछ तो होना चाहिए मैम वो लोग तो कोर्ट है आई अग्री तो बच्चा दे विल बी फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड रूल्स रिच विल टेल यू हाउ टू एंटरप्रेट द लॉ जैसे तुम लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े सो यू नो हाउ टू डू द अकाउंटिंग फॉर रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स देन तुम लोग ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़े दीज आर ऑल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंट्स एंड ऑडिट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज तो वैसे स्टैंडर्ड रूल्स भी तो होने चाहिए लॉ को पढ़ने के लिए सो दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी so interpretation of statutes is understanding the law and why interpretation is so important of course tum log ke liye exam point of view the weightage is around 8 marks sometimes 10 marks i am telling you including mcqs अगर descriptive questions देखोगे तो कई जगह पे छह मार्क के पूछे हैं, कई जगह पे एट marks के पूछे हैं, फिर एक दो मार्क का वो लोग आपको MCQ पूछ लेंगे but फिर भी बचाइए chapter worth है इतना सा चैप्टर है ये इतू सा चैप्टर है फिर भी आपको छ से आठ मार्क दिलाएगा तो इट इज तो टोटली टोटली वर्थ इट यू नो द वैल्यू ऑफ वन मार्क मार्को कम ऑन हैटेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ बिकॉज लॉ तो जो है वो ह्यूमन बींग बनाता है बेचारा गलती कर सकता है तो उसकी गलतियों को हम कैसे पढ़े या कवर करें वो यहां पे हम देखेंगे

ऑल दिस इसका सोल्यूशन एंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट में आपको मिलेगा ठीक है तो शुरू करते हैं एंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचून सी इन योर टेक्स बुक मीनिंग ऑफ स्टैचू आई टोल्ड यू लॉ इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न विल ऑफ लेजिस्लेचर क्योंकि पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर बोलता है एंड जो वो लिखता है उसे लॉ बोलते हैं दैट इज स्टैचू सी हम इंडियन लॉ बहुत सिंपल है हम लोग लॉ वर्ड ही यूज करते हैं बट ब्रिटिशर्स यूज द वर्ड स्टैचूट हम लोग ने statute ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं यूज किया है हम लोग तो लॉ ही यूज करते हैं देन एंटरप्रिटेशन मीन अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज सो इम्पॉर्टेंट चेंज इन एनवायरमेंट वर्ड्स आर कन्फ्यूजिंग द लॉ इज नॉट कम्प्लीट इट डज नॉट कवर अ स्पेसिफिक एरिया ड्राफ्टिंग में एरर हो सकता है यू नो समाइम्स बेचारा लॉ मेकर शाल के जगह पे मेल डाल दिया उसने मे के जगह पे शाल डाल दिया उसने तो कंफ्यूजन हो सकता है राइट ऑल दिस इज फाइन वी शैल नाउ फर्स्ट सी द रूल्स ऑफ एंटरप्रटेशन देन वी विल टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट एनऑन सो रूल्स ऑफ एंटरप्रटेशन में बचा यू हैव प्राइमरी रूल्स यू हैव सेकेंडरी रूल्स उसमें फर्स्ट वन यू हैव इज लिटरल कंस्ट्रक्शन ये तो सबसे सिंपल है तुम लोग वर्ड यूज करते हो ना लिटरली और ऐसे हुआ था मतलब एज इट इज़ कोई लॉ को पढ़ो एज इट इज़ पढ़ो एज इट इज समझो इंग्लिश का ग्रामर यूज़ करो टेक्निकल मीनिंग वर्ड्स यूज करो जो नॉर्मल मीनिंग है वो यूज़ करो ट्रेड मीनिंग है वो यूज़ करो एंड अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करके इसका कंक्लूजन ड्रॉ करो इसको लिटरल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं सिंपल एग्जाम्पल मैं लू तो मैंने ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट डाउनलोड किया है सिर्फ सेक्शन 26 बच्चा एक बार साथ में पढ़ते हैं हम एवरी अग्रीमेंट एवरी अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वाइड तुम लोग ने ये एज इट इज पढ़ा एज इट इज समझा इसका क्या मतलब है हम किसी भी पर्सन को शादी करने से नहीं रोक सकते अपार्ट फ्रॉम माइनर मतलब माइनर को आप रोक सकते हो तो तुम लोग ने अग्रीमेंट ये वर्ड का मीनिंग खुद का दिमाग नहीं लगाया जो एक्ट में डिफाइन है वैसा यूज किया मैरिज मतलब जो ऑर्डिनरी मीनिंग होता है शादी का वो यूज किया वर्ड मतलब तुम लोग ने यहाँ पे अगेन वर्ड अग्रीमेंट या वर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो भी डेफिनेशन है वो यूज किया मतलब तुम लोग ने नॉर्मल ग्रामर यूज किया ऑर्डिनरी मीनिंग यूज किया टेक्निकल मीनिंग है तो वो यूज किया ट्रेड मीनिंग है तो वो यूज किया एंड अकॉर्डिंगली पढ़ के एंटरप्रेट किया इसको बोला जाता है लिटरल कंस्ट्रक्शन सो मीनिंग ऑफ द वर्ड आर वेरी क्लियर आपको कुछ और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इट इज लिटरल कंस्ट्रक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज लिटरल दैट इज लिट्रल कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ एंड देर इज वन लैटिन टर्म फॉर दिस एप्सोलूटा सेंटेंटियांटेंटिया एक्सपोजिश्योर नॉन इंडिगेट सिंपल वर्ड्स में दे आर जो से गिव सिंपल मीनिंग प्लीज इसको बहुत सिंपल मीनिंग दो ओवर थिंक मत करो यस तुम लोग को गाली नहीं दी बच्चा मैंने एप्सलूटाटेंट या एक्सपोजिश नॉन इंडिकेट ये सारे हाइडी पॉटल स्पेल्स लगता है जो भी हमको याद रखने पड़ेंगे सो इट मीनस गिव सिंपल मीनिंग लेकिन कई बार बच्चा लिटरल कंस्ट्रक्शन काम नहीं करता क्योंकि कई बार हम सिंपल मीनिंग देते हैं तो बहुत एक अजीब सा इंटरप्रिटेशन आ जाता है जैसे तुम लोग ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है श्योरिटी स्टेप्स इन टू द शूज ऑफ क्रेडिटर तो यहाँ पे बचा वो जूतों में थोड़ी जा रहा है लिटरल कंस्ट्रक्शन लेंगे तो उसका ये मतलब हो जाएगा तो यहाँ पे लिटरल कंस्ट्रक्शन काम नहीं करेगा अभी यहाँ पे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन जो है वो काम करेगा मतलब समटाइम्स व्हेन यू सी द वर्ड्स प्राइमा फेस ये ठीक लग रहा है बट क्लोज कुर्टी नहीं करोगे तो तुमको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है तो यहाँ पे आप लॉजिक लगाओगे रीजनेबली वर्ड्स को इंटरप्रेट करोगे और उसका कंक्लूजन ड्रॉ करोगे अनदर सिंपल एग्जाम्पल आई एम वेरी अपसेट मैं एकदम रोने के इस एंड आई एम जस्ट सिटिंग माई बेस्ट फ्रेंड कम्स टू मी एंड आस्क मी आई यू ओके वॉट है आई टेल आई एम फाइन जस्ट गो इफ शी टेक्स इट लिटरली शी विल गो बट वॉट शी डिड शी सैट नेक्स्ट टू मी बोल मानसी क्या हुआ किसने देखो क्या बोला हम साथ में मिलके उसकी बैंड बजाएंगे बच्चा दैट शी रेड बिटवीन द लाइंस उसने यहाँ पे लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं किया उसने रीजनेबल कंस्ट्रक्शन किया सो यू विल हैव टू गिव सेंसिबल मीनिंग सो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन इज दैट थर्ड वन यू हैव इज हेडन्स रूल इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यस मिशिफ रूल भी इसको बोलते हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी इसको बोलते हैं नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बच्चा इट्स अ वेरी ओल्ड रूल समवेयर 1500 हंड्रेड के आसपास ये रूल आया था इतना पुराना है बच्चा अपने देश में ना देर आर लॉर्ड ऑफ सुपरस्टेशन फॉर एग्जाम्पल आई वर्ड दैट शाम को झाड़ू नहीं मारना चाहिए लक्ष्मी चली जाती है आई एम लाइक क्यों मतलब टाटा बिरला अंबानी ये लोग झाड़ू नहीं मारते गरीब हो जाएंगे नहीं ये उस जमाने की बात है जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था और तभी अगर शाम को अंधेरे में एवरी वन कुड नॉट अफोर्ड दो लैंटन्स अगर अंधेरे में झाड़ू मारोगे तो किसी का कॉइन गिरा है इयर रिंग गिरी है तो वो भी झाड़ू के साथ बाहर हो जाती है इसलिए लक्ष्मी चली जाती है इसका ये लॉजिक है बट आज के ज़माने में इसका क्या मतलब है मतलब वी हैव गुड सो मेनी ट्यूबलाइट्स वी स्टे ऑन टेंथ फ्लोर सिक्स फ्लोर तो यहाँ पे कुछ लक्ष्मी चली नहीं जाएगी तो बच्चा यू विल रीड एंड एंटरप्रेट द लॉ वेन इट वॉज मेड क्या हुआ था उस टाइम पे कि उनको ये रूल बनाना पड़ा तो यू विल सी द बैकग्राउंड एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एंटरप्रेटिंग द लॉ अनदर एग्जाम्पल यू नो इफ आई से ये तो तुम लोग ने बहुत ही कॉमन है सुना होगा कि हाथ में डायरेक्टली चाकू या कैची नहीं देते ऐसा है, बोलते हैं झगड़ा हो जाएगा है ना मतलब मैं मेरे हस्बैंड के हाथ में कैची ना दू वो तो झगड़ा तो वैसे भी होना है इसमें क्या फर्क पड़ता है सो so बच्चा ये क्यों बना क्योंकि अगर आप नाइफ या सीजर्स किसी के हाथ में देते हो और वो ऐसे ही लेगा तो ही माइट गेट हर्ट इसलिए वो लोग बोलते हैं आप नीचे रखो सामने वाला अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उठा लेगा अब इसका ये रूल का अभी भी महत्व है क्योंकि इंजरी तो अभी भी हो सकता है वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था सो यू विल द लॉ वॉज मेड

इससे मस्ती क्रिएट हो गई खाली फुकट वो बिचारी जेरोक्स में यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी तो यू हैव टू सप्रेसिफ एंड एडवांसिबल मीनिंग यू हैव टू चूज द बेस्ट मीनिंग पॉसिबल एंड अकॉर्डिंगली एंटरप्रेटेड यहाँ पे हम जेरोक्स को कंपनी ऐसा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे हम जेरोक्स को पढ़ेंगे यस yes, तो यहाँ पे सप्रेस दिस्चिफ मतलब जो मस्ती क्रिएट हो रही है उसको निकालो एंड एडवांस दे दो दिड सो एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन डिफीट कर देता है वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू सी वट वॉज द लॉ बिफोर दिस वट वॉज द प्रॉब्लम डिड नॉट प्रोवाइड वट इज दल्यूशन विच देव प्रोवाइडेड उन्होंने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया था कि शाम को झाड़ू नहीं मारना चाहिए यस yes, ऐसा रूल बना दिया उन्होंने देन वॉट इज द रीजन ताकि किसी का वो इयर या कुछ बाहर ना निकल जाए सो दिस फोर इन एग्जाम मेनी टाइम्स दिसंट देड्रेड परसेंट आप अच्छे से करना सो वॉट वॉज द लॉ बिफोर वट वॉज द प्रॉब्लम विच प्रोवाइड वॉट इज द दूशन विच हैव प्रोवाइडेड एंड वट इज द रीजन फॉर द सोल्यूशन सप्रेस द एंड एडवांस द रेमेडी राइट तो दैट वॉज योर हिडन थ्रू ना हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हार्मनी मतलब पीस जियो और जीने दो तू भी जी मुझे भी जीने दे तू मेरे स्पेस में मत आ मैं तेरे स्पेस में नहीं आऊंगा दैट इज हार्मनी प्यार से जियो बट यहाँ पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है दे आर जस्ट टेलिंग यू वेरी सिंपल थिंग वेन यू हैव मल्टीपल लॉज एप्लीकेबल एंड इन दैट केस इफ देर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन फर्स्ट दे आर सिंग अवॉइड एनी क्लैश अवॉयड एनी पर्टिकुलर डिस्प्यूट तो फॉर एग्जाम्पल एच डी एफ सी बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है सेबी एक्ट भी अप्लाई होता है अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है सबसे पहले आप सब लॉ कोज रिस्पेक्ट दो मतलब आप कंपनीज एक्ट भी फॉलो करो आप सेबी एक्ट भी फॉलो करो और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी फॉलो करो अवॉयड एनी क्लैश अगर आप नहीं कर सकते अवॉयड

Act 1872 बोलता है। लेकिन तुम लोग ने इनकम टैक्स एक्ट में पड़ा है किसेंट मतलब हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाला एक्ट फॉलो करते हैं ना क्योंकि ये लेटेस्ट है मतलब ये ज्यादा अपडेटेड है सो फर्स्ट अवॉइड एनी क्लैश सबको इफेक्ट दो नहीं हो रहा है

तो ये आप अच्छे से करके जाना बच्चा यस सो आई जस्ट टेल यू मे मतलब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हैं देट मीन्स डायरेक्टरी फोर्स है मैंडेटरी नहीं बट वेन आई यूज द टर्म शाल और मस्ट मतलब करना ही पड़ेगा बॉस ये मैंडेटरी फोर्स है डायरेक्टरी नहीं तो मे ऑप्शनल है शैल मस्ट कंपल्सरी है बट समाइम्स बच्चा मे को भी हम कंपल्सरी ले सकते हैं शैल को भी हम ऑप्शनल ले सकते हैं एग्जाम्पल सेक्शन थ्री ऑफ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल मतलब थोड़ी है आपके पास कि आप अनलॉफुल ओपन भी भी कर सकते हो तो वो जो ड्राफ्ट उसको तभी शैल लिखना चाहिए था बट नहीं लिखा गलती हो गई बेचारे से तो आप तो इसको सही तरीके से इंटरप्रेट करो तो यहाँ पे मे को शैल के तौर पर पढ़ा जाएगा सिमिलरली शेल मतलब कंपल्सरी सम केसेस ऑप्शनल ना हाउ वज वेदर इट इज कम्पल्सरी और इट इज ऑप्शनल फर्स्ट यू सी लॉट ऑफ नेगेटिव वर्ड्स नो पर्सन विल डू दिस तो ये मैंडेटरी हो जाता है या तो यू आर डूइंग एंड इफ यू डोंट डू इट तो इस विल बी रिजल्टिंग इन पेनल्टी मतलब ये फिर से मैंटरी हो गया या तो फिर बच्चा यू आर डूइंग इट टू सप्रेस द मिस्चिफ और सप्रेस सम फ्रॉड तो ये मैंडेटरी हो जाता है या तो इट इज कपल्ड विद एन ऑब्लिगेशन मतलब अगर आपकी ड्यूटी है ना बच्चा तो ये मैंडेटरी होता है आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी राइट लेट्स से जहां पे पब्लिक पॉलिसी नहीं है करना है तो करो नहीं करना है तो भी चलेगा तो ये डायरेक्टरी हो जाता है सो पांच पॉइंट्स नेगेटिव वर्ड्स मैंडेटरी देन सप्रेशन ऑफ मिशिफ और फ्रॉड मैंडेटरी पेनल्टी पे करना पड़ेगा तो मैंडेटरी देन ड्यूटी होगी तो मैंडेटरी बट पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व नहीं है इट्स जस्ट अ स्मॉल प्रोसीजर कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो तो देन डायरेक्टेड रूल इज एजेम जनरस मीन ऑफ द सेम स्पीशी और सेम क्लास इट मीन बच्चा एक्सेट्रा मिल्क घी पनीर एक्सेट्रा में मैं लायन थोड़ी यूज करूंगी यहाँ पे एक्सेट्रा मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स ही होगा तो इन दैट केस एक्सेट्रा में वही वर्ड्स आएंगे जो उस क्लास के हैं सो दैट इज एगजूज जनरिस कोई बोलेगा मैम ये तो पता है आई नो बच्चा पता है लेकिन नमूनों की कमी नहीं है सी पार्लियामेंट कैनोट अज्यूम दैट एवरी वन इन द कंट्री हैज़ ब्रेन्स एंड एवरी वन यूज दोज ब्रेन्स इसलिए उन्होंने क्लैरिफाई कर रहा है भाई मेरे तो इसको कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट मत करना एक्सेट्रा में वही वर्ड्स आएंगे जो उसी क्लास के हैं बट बच्चा वो वर्ड्स एक ही क्लास के होने चाहिए कंप्यूटर कॉमा रोज कॉमा एनिमल ऐसे मैं अगर अलग अलग लिखूंगी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी कि एक्सेट्रा में क्या लिखना है तो बोलना क्या चाह रहा है भाई तो दैट वर्ड्स ऑल्सो शुड बी ऑफ द सेम क्लास यस एंड शुड बी मल्टीपल वर्ड्स मिल्क कॉमा एक्सेट्रा लिखा तो इसमें तो कुछ भी आ सकता है सो देर शुड बी एन्यूमरेशन ऑफ वर्ड्स दैट इज मल्टीपल वर्ड्स दैट इज योर एजुस्ड एंड जें

तो मैंने कितना क्लियरली बोला कि मैं और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरा बेबी नहीं आएगा मेरी मॉम नहीं आएंगी मेरी आंटी नहीं आएंगी ये सब नहीं आएंगे सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हेन आई स्पेसिफिकली मेंशन वन थिंग मींस आई हैव साइलेंटली एक्सक्लूड अदर्स लैंड कोल माइंस हाउस ऐसा ले आए कोल माइंस बोला है सीधी सी बात है दूसरे माइंस कवर नहीं होंगे क्योंकि कोल माइंस मतलब सिर्फ कोल माइंस आएगा सो दैट इज योर फर्स्ट रूल Second rule is रूल as sources, That is associated words. Plant का मतलब पौधा भी होता है मशीन भी होता है अब मैं कोई act में plant and trees लिखती hu तो यहाँ पे plant का मतलब इस पौधा कोई act में plant and machinery लिखती hu तो यहाँ पे plant का मतलब है मशीन तो ये प्लांट का क्या मतलब होगा वो डिपेंड करता है उसके बाजू वाले वर्ड पे दैट इज associated वर्ड्स

जिसमें अभी भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है पुराना ही सब कुछ चल रहा है दे शुड बी अमेंडेड बट नहीं किया उन्होंने अमेंड तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है अगर आप कोई एक्ट पढ़ते हो जिसमें अभी भी बहुत पुरानी वाली चीजें दी है तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो कि लोग क्या करते हैं इसको कैसे इंटरप्रेट करके अप्लाई करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप भी करो फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी भी वो लोग टेलीग्राम पोस्ट उस पर ही अटके हुए टेलीग्राम के ऐप के जमाने में अभी भी वो लोग वो टेलीग्राम पे अटके हुए तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चा ऑफर एक्सेप्टेंस थोड़ी ना लेटर से कम्युनिकेट करते हैं आज के जमाने में वी डू इट ऑन यस वी डू इट वाया आ ई मेल फैक्स अरे हम लोग तो इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज सेंड करते हैं राइट ना पॉसिबल है सो so, इंस्टाग्राम पे यू सेंड अ डायरेक्ट मैसेज यू नो देर आर सो मेनी बिजनेसिस जिसका अपना अपना पेजेस होता है होम बेकरस है ज्वलरी वाले हैं सो इफ आई लाइक समथिंग मैं उनको डायरेक्ट मैसेज करती हूँ इंस्टा पे कि वॉट इज द प्राइस ऑफ दिस इज दिस अवेलेबल मैं उनको ऑफर दे रही हूँ वो एक्सेप्ट करेंगे तो हम आजकल ऑफर एक्सेप्टेंस ऐसे देते हैं लेकिन ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर ही नहीं हुआ उसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं कर सकते कर सकते इसलिए उन्होंने बोला है कि कुछ पिछड़ी हुई चीज़ें दी है तो आप वो मत यूज करो आप देखो प्रैक्टिकल लाइफ में लोग कैसे करते हैं क्या करते हैं उस हिसाब से इसे इंटरप्रेट करो सिमिलरली एक्सपोज एक्सपोजिशो क्या बोलता है इट मीन द बेस्ट वे टू एंटरप्रेट द लॉ इज टू रीड इट वेन इट वॉज मेड मतलब इन दिस केस एक्सपोज द ओल्ड लॉज टू न्यू एंड टेक्नोलॉजी मतलब अगेन आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बच्चा ई कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड नहीं है कोई बोलेगा मैम हमने तो फाउंडेशन में देखा था बेटा वो तुम लोग के सिलेबस में कवर हो गया है बट तुम लोग अभी भी ये बैर एक्ट देखोगे ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अभी भी दे हैव नॉट कवर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम जोमैटो और ऑर्डरिंग ग्रोसरीज ऑन एमेजॉन और बिग बास्केट ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स है एंड आज के जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स ही सबसे ज्यादा चल रहे हैं बट वो कवर्ड ही नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसका ये मतलब थोड़ी है कि वॉइड है ये वैलिड है तो एक्सपोज द ओल्ड लॉ टू न्यू technology, बच्चा घूम फिर के ये दोनों चीज़ same चीज़ बोल रही है है है, कि कि अगर कोई जिसमें नहीं हुआ है, तो आप देखो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हो उस हिसाब से आप इसे करो ओल्ड लॉस टू न्यू सर एंड टेक्नोलॉजी दैट इज योर इफेक्ट ऑफ यूसेज ओके सो दीज योर रूल्स नाउ कमिंग टू एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन फर्स्ट वाला

कि मैम ये इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड क्या होता है एड मतलब हेल्प इंटरनल मतलब आपको ये लॉ के अंदर ही मिलेगा विद इन द एक्ट यू फाइंड दिस एंड दिस ऑब्वियसली विल फाइंड इट आउटसाइड द एक्ट प्रियम्बल हेडिंग ये सब कुछ आपको एक्ट के अंदर मिलेगा लेकिन बैकग्राउंड देन डिक्शनरी ये सब कुछ आपको एक्ट के बाहर मिलेगा बट जो भी है एक्ट के अंदर हो या बाहर हो दोनों आपको हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन के लिए सो प्रियम्बल हेडिंग्स एंड टाइटल ऑफ चैप्टर चैप्टर मतलब यूनिट्स हम लोग यूनिट्स बोलते हैं बट एक्चुअली आप देखोगे लॉ लॉके लैंग्वेज में इसको चैप्टर बोला गया सो यू हैव हाउ मेनी चैप्टर्स कंपनीज एक्ट में एटलीस्ट इंटरसीए लेवल पे यू हैव टेन चैप्टर्स यस हम तो यूनिट्स बोलते हैं सिमिलरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यू हैव थ्री चैप्टर्स थ्री यूनिट्स तो तुम लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि एक यूनिट में क्या लिखा है उसका हेडिंग देखो अच्छा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये चैप्टर का नाम है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है तो तुम लोग ब्रीच ये सोच के इंटरप्रेट नहीं करोगे ना हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हेडिंग देखेंगे तो उस हिसाब से इसको इंटरप्रेट किया जाएगा दैट इज योर हेडिंग्स नाउ मार्जिनल नोट्स सो मार्जिनल नोट्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड जैसे तुम लोग करते हो ना टेक्स्ट बुक में ये सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा ना बच्चा तुम लोग ने ये पूरा टेक्स्ट बुक है लेफ्ट एंड साइड में तुम लोग को लगता है इसको सिंपल वर्ड्स में दिया है जहाँ पे यस मैंने भी क्लास में तुम लोग को कुछ कुछ सिंपल चीजें यहाँ भी दी है तो ये आपको जाहिर सी बात है हेल्प करता है इस लॉ को पढ़ने के लिए सो दीज नोट्स आर डेफिनेटली गोना बी हेल्पफुल इन एंटरप्रेटिंग योर टेक्स्ट बुक तो वैसा वो लोग लॉ लो में भी करते हैं सो नॉर्मली यहाँ पे मार्जिनल नोट्स लॉ में लिखी हुई रहती है एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते हैं बेसिकली वो सो so, समराइज होता है समराइजेशन मतलब इसका इतना लंबा चौड़ा है लेकिन इसका यही मतलब है सारांश होता है उस पर्टिकुलर सेक्शन का तो जाहिर सी बात है ये आप यूज कर सकते हो इंटरप्रिटेशन के लिए बट अपने कोट्स जो है वो अलग अलग व्यू देते हैं एक व्यू ऐसा है कि यू कॉन्ट डू दिस यू कॉन्ट यूज दिस दूसरा व्यू ऐसा है कि यू कैन यूज इट कोई बोलेगा मैम वो सब जाने डॉम को क्या करना है वो बताओ बच्चा आपको दोनों लिखना है कि कोई कोर्ट्स बोलते हैं इसको कंसिडर कर सकते हैं कोई कोर्ट्स बोलते हैं इसको नहीं कंसिडर कर सकते डेफिनेशनल क्लॉजेस इज वेरी सिंपल दैट एवरी एक्ट यू विल फाइंड सम और दी अदर डेफिनेशन नॉर्मली डेफिनेशन आपको सेक्शन टू में होती है सेक्शन थ्री में भी हो सकती है अर्लियर सेक्शंस में भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल जनरल क्लॉज एक्ट में सेक्शन थ्री में, में है कंपनीज एक्ट में सेक्शन टू में है

बेसिकली वॉट डिड यू से डिबेंचर इंक्लूड मतलब ये 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 सब आएगा इट इज इंक्लूजिव डेफिनेशन सो एग्जॉस्टिव दिस मीन्स दिस शेयर मीन्स शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक तो बच्चा शेयर के डेफिनेशन में मीन्स भी आता है इंक्लूड्स भी आता है फिर भी यह एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है

हम लोग लिखते हैं ना लॉ में आई टेल यू एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट का ये बेर एक्ट है अब कंपनीज एक्ट के बेर एक्ट में देखोगे तो स्मॉल कंपनी डिफाइंड है कैन यू यू सी दिस उसमें दे हैव गिवन रूल प्रोवाइडेड नथिंग विल अप्लाई टू दिस इसको प्रोविजो बोलते है आप कोई लॉ लिखते हो और फिर लिखते हो ना प्रोवाइडेड सो स्वयं सो स्व स्वयं सो प्रोवाइडेड ये मतलब कंडीशन डालते हो

स्टूडेंट्स ना एक्सेप्शन प्रोविजो सेविंग क्लॉज मस्त खिचड़ी कर देते हैं यू प्रोविजो मतलब तुम लोग ने देखा सो 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 प्रोवाइडेड दिस प्रोविजो इज बेसिकली रिमूविंग स्पेशल केसेस फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट और यू कैन से योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड बैलेंस शीट पी एन एल कैश फ्लो नोट्स टू इक्विटी एंड सो ऑन एंड ये सब के बाद नीचे लिखा है प्रोवाइडेड वन पर्सन कंपनी

यहाँ पे एक्सेप्शन नॉर्मली पूरे सेक्शन का होता है कि ये सेक्शन ये दो केसेस में एप्लीकेबल नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से यह वैलिड सेल ऑफ गुड्स है राइट right? अब कैन सी इच अदर इफ दे डोट पर अगर ये दो लॉज उड़ा दिए तो ये बेचारे किएंगेगा ए को करना चाहिए ना आईडियली बट जिस एक्ट के अंडर उन्होंने कॉन्ट्रेक्ट किया था वो तो उड़ चुके हैं तो बच्चा गवर्नमेंट बोलते इतना टेंशन मतलब तुम लोग के लिए हम लोग ने सेविंग क्लॉज बनाया तो सेविंग क्लॉज में देविल से

ुलर केसेस मतलब इट इज नॉट एप्लीकेबल प्रोविजो एंड सेविंग टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन राइट मतलब आप बच जाओगे सो प्रोविजो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेनेशन इज फाइन यू नो यू इंसर्ट एक्सप्लेन की इसका ये मतलब होता है यू नो यू क्लैरिफाई की ये ये इंक्लूड करेगा लेकिन ये एक्सक्लूड करेगा

Because, bacha, very young girls used to get married, and the moment they attained poverty, they used to get pregnant, and many girls have lost their lives because of that. And the baby is also obviously no longer in the world. So basically, they want to stop all this because they are too young to even carry a baby in their womb. So they have made this. So if you don't understand something in Child Marriage Act, ab iska historical setting dekhoge, background dekhoge. कंसोलिडेटिंग स्टैचूट्स एंड प्रीवियस लॉ यू नो हम ऐसा लिखते हैं दिस एक्ट सो एंड सो एक्ट स्वयं मतलब मिक्स किया है फॉर एग्जाम्पल जनरल क्लाजेज एक्ट आपका बना कब 1897? नाइन्टी सेवन यस उसके पहले भी दो जीसी एक्ट बने थे 1868, 1887। अब आप लिखते हो जनरल क्लाजेज एक्ट एटीन अब एक कन्फ्यूजन है कि ये एक्ट में सिर्फ एटीन वाले रूल्स होंगे या पुराने वाले भी तो वो लोग ऐसे लिखेंगे दिस एक्ट कंसोलिडेट्स जनरल मतलब तीनों के मर्ज करके अपने दिए। इसको मीन प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे कैसे वो लोग यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल रीजनेबल टाइम कहीं दिया नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस सो यू विल सी वॉट इज रीजनेबल टाइम कंफ्यूजन है तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है वैसा आप देखोगे देन अर्लियर एंड लेटर एंड एनोलॉगस एक्ट सो बेसिकली यू विध द लॉस इंडियन पिनल कोड आया एटीन सिक्सटी में अब ऑब्जेक्ट वॉज टू सप्रेस क्राइम्स देन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया टू थाउजेंड में ऑब्जेक्ट वॉज टू सप्रेस साइबर क्राइम्स तो दोनों एक्ट दो अलग अलग सदी में बने एक 1860 में बना एक 2000 में बना बट इन अ वे ऑब्जेक्ट सिमिलर है कि टू सप्रेस द क्राइम्स तो यू विल रीड देम टुगेदर दे आर एक्सप्लेनेटरी टू ईच अदर यस देन इन दैट केस डिक्शनरी डेफिनेशन अगर आपको डेफिनेशन नहीं दिया है एक्ट में अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज आप डिक्शनरी खोल के देखो एक ही वर्ड का मल्टीपल मीनिंग्स है देन यू हैव टू चूज दैट स्पेसिफिक मीनिंग देखना पड़ेगा कौन से कॉन्टेक्सट में इसे यूज करना है एंड लास्टली बच्चा फॉरेन डिसीजंस यू आर गोना सी द फॉरेन केस लॉस टू बट दे आर सेइंग नॉट डायरेक्टली फर्स्ट यू गिव प्रेफरेंस टू इंडियन लॉ देन इंडियन केस लॉ एंड देन फॉरेन केस लॉ बट कोई भी कंट्री का केस लॉ नहीं पढ़ सकते वही कंट्री का पढ़ सकते जिसका जूरिस अपने कंट्री से मैच करता है मतलब जुडिशियल सिस्टम फॉर एग्जाम्पल यूके का जूरस प्रूडेंस और इंडिया का जूरिस सेम है और होना भी चाहिए उन्होंने ही वो सब सेटअप किया था अपने देश में तो इन दैट केस यू विल फॉलो यू के दैट इज इंग्लिश केस लॉज बट यू कैन फॉलो अमेरिकन केस लॉस बिकॉज उनका जुडिशियल सिस्टम बहुत अलग है हाउ विंटरप्रेट डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपटिल नाउ वी और लॉ हाउ विंटरप्रेट डील मतलब कोई क्लाइंट आपके पास आया पार्टनरशिप डील लेके और आपको पूछता है ये सही है कि नहीं सो so, बच्चा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज मेड वॉट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी सी द बैकग्राउंड एक्सेट्रा उस हिसाब से इसे एंटरप्रेट करो सो यू आर गशन एंड द सराउंडिंग सरकम एंड बचा यू ऑल्सो सी कि किसने ये बनाया अगर एक लीगल एक्सपर्ट ने बनाया तो वर्ड्स का मतलब कुछ और हो सकता है अगर एक नॉर्मल इंसान ने बोला है तो ये वर्ड्स का मतलब कुछ और हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आम आदमी के लिए प्रॉपर्टी का मतलब है असेट लेकिन हमको पता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप होता है तो अगर किसी लीगल एक्सपर्ट ने प्रॉपर्टी वर्ड डाला है तो इसका मतलब ओनरशिप भी हो सकता है लेकिन एक आम इंसान ने अगर बनाया और उसने प्रॉपर्टी डाला है तो इसका मतलब असैट हो सकता है राइट एंड इन दैट केस यू हैव टू सी द द ट्रेनिंग ऑफ पार्टीज एंड इफ इज एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द सेम डॉक्यूमेंट एक ही डॉक्यूमेंट में दो क्लॉजेज या दो पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो यू विल हैव टू टेक दैट पॉइंट विच हैज कम अर्लियर इन टाइम वेर इज लॉ में ऐसा नहीं है हॉर्मोनियस कंस्ट्रक्शन में तुम लोग ने पढ़ा था कि जो एक्ट लेट आया उसको आप प्रेफरेंस दोगे क्योंकि ये अपडेटेड होता है बट बच्चा यहाँ पे तो हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट में दो पॉइंट कॉन्ट्राडिक करते हैं डॉक्यूमेंट यस डॉक्यूमेंट इन सिंपल वर्ड मतलब पेपर एनीथिंग विच गिव यू इंफॉर्मेशन बट नहीं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा फैंसी मीनिंग है बच्चा So, document is nothing but any matter expressed or described on any substance by means of letters or figures or marks, whatever. What lamba hai Basically, my document ko na char parts mein divide kartu. So, document mein, first point is matter, second one is substance, third one is record. एंड द लास्ट वन इज मीन्स मतलब मीनिंग सो मैटर इज वॉट यू राइट सब्सटेंस इज ऑन विच यू राइट पेन मीन्स बाय विच यू राइट एंड मीन्स मीन्स हाउ यू राइट तो आप मैटर लिखते हो पेपर पे तो पेपर सब्सटेंस है रेकॉर्ड मतलब जिससे लिखते हो पेन मीन्स मतलब जैसे लिखते हो वर्ड्स लेटर्स सिम्बॉल्स एक्सेट्रा सो मैटर व्हाट यू राइट Substance on which you write, record by which you write, and means is how you write. So, in that case, see any matter expressed on any substance by means of letters, figures, etc., and for the purpose of recording that matter. That is your document. So, with this, your entire interpretation of statute is over. I hope you are clear. अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करना और जाना एग्जाम में बाय